नमस्कार साथियों, आज हम 2016 में यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक पूछा गया हिंदी टू इंग्लिश पैसे ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए, आपको अपने आप से बनाने का प्रयास अवश्य करना है कि आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। तो फ्रेंड्स, यह आपका सेंटेंस है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे मुझे कहना है, मैं एक छात्र हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट। तो एज एम आर यूज का प्रेजेंट में आप करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और बॉज वर्ब का आप सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आज का अंग्रेजी लिख देना है। तो आज का आप जानते हैं होता है टुडे, क्या होता है टुडे। उसके बाद आपको यहाँ कॉमा लगा देना है। उसके बाद भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। क्या है जोरों पर? तो आपको उत्तर मिलेगा भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न। तो सबसे पहले आपको यहां से ट्रांसलेट करना है। तो प्रयत्न की होती है द एफर्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? द एफर्ट। अब पीछे से लौटते आए, का की के की आप जानते हैं ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। अब फ्रेंड्स, प्रपोजिशन लिख गया है और वर्ब के अंत में नानी ने देखने को मिले, तो वहां आप जीरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीरण का। तो आप लिखेंगे मेक। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देना, वही आपका जीरण फॉर्म हो जाता है। तो आपका प्रपोजिशन है, आप चाहते हो इन्फिनेटिव बना सकते थे, लेकिन जब हमारे पास एक प्रपोजिशन होता है तो हम टू प्लस वी वन नहीं लिखते, तो हम क्या लिखना है? जीरण फॉर्म में। तो मेकिंग। क्या आप पीछे से लौटते हैं? स्मार्ट। क्या हो जाएगा? स्मार्ट। अब ओ की चाहे तो आप टू लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो द, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ की हो जाएगी आपकी सम, और शहरों की हो जाएगी सिटीज, सम सिटीज। और फिर काकी के की देखें तो ऑफ हो जाएगा, और भारत की बात करें तो इंडिया हो जाएगा। इतना आपने ट्रांसलेट कर दिया। ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है केवल द एफर्ट। यह प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही है पूरे का पूरा, यह चीज माइंड कर लें। फिर ये प्रपोजिशन है, यह इसका प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशनल। फिर है की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग कर देंगे। तो एज क्या है? जोरों पर। तो इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, इसका मतलब होता है इन फुल स्विंग। क्या होता है फ्रेंड्स? इन फुल स्विंग। तो पहले सेंटेंस को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। टूडे आज द एफर्ट यानी प्रयास ऑफ मेकिंग बनाने का स्मार्ट यानी कि स्मार्ट सम सिटीज कुछ शहरों को ऑफ इंडिया भारत के एज इन फुल स्विंग जोरों पर है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इसका लक्ष्य शहर को स्वच्छ सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। फिर देखें ना है नी है। जैसे मुझे कहना है मुझे विद्यालय जाना है, तो आई एम टू गो टू स्कूल। जिस वर्ब के अंत में ना है नी है ने है आता है, तो वहाँ एज टू एम टू या आर टू का प्रयोग करते हैं। अगर यह पास्ट में होता तो बॉय टू बर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कहना है हमें वहाँ खेलना है, वहाँ खेलना है ना है, तो इस बात को मान कर लें तो वी आर टू प्ले देयर। इस प्रकार से आप सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको क्या करना है? इसका लक्ष्य, तो पहले इसके लिए लिख देंगे आप पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और उद्देश्य के लिए आप चाहे एम, पर्पज या गोल लिख सकते हैं। तो इट्स एम। अब है की बात करेंगे तो आप सिंगुलर है तो यहाँ एज का प्रयोग कर देंगे। इट्स एम एज क्या है? बनाना। तो ना लेने के लिए आप यहाँ टू का प्रयोग कर देंगे, और बनाने का हो जाएगा मेक, टू मेक। अब फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट दो दिए हैं, तो शहरों को आप चाहें तो इट्स एम एज टू मेक द सिटी, द सिटी पहले इसको ही लिख लें, द सिटी। ये चीज माइंड कर लें कि हर बार ऐसे ही नहीं बनता जाएगा। सम सिटी क्या? स्वच्छ के लिए आप लिख देंगे क्लीन, क्लीन। सम सिटी यानी कि सिटीज क्लीन। उसके बाद सुंदर तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब फ्रेंड्स, और से जुड़ा है तो आप यहां लिख देंगे एंड। क्या लिख देंगे? एंड। आप पीछे से लेंगे तो युक्त है, युक्त का मतलब है फुला भरा हुआ। तो फुल, फुल के साथ आप प्रपोजिशन काकी के लिए लिख देंगे से की भले शक है लेकिन ऑफ, फुल ऑफ। किससे? आधुनिक, आधुनिक के लिए आप जानते हैं मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। और सुविधाओं की होती है फैसिलिटी, तो क्या होता है? फैसिलिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैसिलिटीज। तो यह सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा इट्स एम, इसका उद्देश्य इज टू मेक बनाना है, द सिटीज सिटी शहरों को क्लीन स्वच्छ ब्यूटीफुल सुंदर एंड और फुल ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज यानी कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त। इसके अंतर्गत तो पहले इसी की बताएंगे, तो इसके अंतर्गत तो अंडर इट, अंडर इट। आप चाहें तो अंडर दिस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंतर्गत की आपने क्या लिख दी? अंडर इट यानी इसके अंतर्गत। कूड़े करकट का प्रबंध, प्रबंध, प्रबंध के लिए आप चाहें तो मैनेजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? अंडर इट
अंडर एट कूड़े करकट का प्रबंध, तो आप लिख देंगे मैनेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ कूड़े करकट के लिए आप चाहे तो बेस्टेज लिख सकते हैं, नहीं तो रवेश होता है, आप लोग जानते होंगे क्या होता है फ्रेंड्स, रवेश माने कूड़ा करकट, तो हो जाएगा अंडर एट इसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ रवेश यानी कि कूड़े करकट की प्रबंध। जनता शौचालयों का निर्माण, तो पहले इसी को बनाएंगे, तो निर्माण के लिए आप जानते हैं कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ किसके लिए, काकी के लिए, तो आप लिख देंगे ऑफ किसके लिए, जनता जनता के लिए आप जानते हैं पब्लिक पब्लिक, और शौचालयों के लिए टॉयलेट्स, क्या होता है टॉयलेट्स, तो यह हो जाएगा इसके अंतर्गत अंडर एट मैनेजमेंट ऑफ रवेश यानी कि कूड़ा करकट का प्रबंध कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स यानी कि जनता या सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। उसके बाद आपको दिया है बिजली, बिजली के लिए आप लिख देंगे कॉमा लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर कॉमा दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एवं पानी पानी एंड वाटर। उसके बाद आपको आगे दिया है चलिए फ्रेंड्स इसे थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, इसे यही रख देते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था आती है, तो पहले व्यवस्था के लिए ले लेते हैं यहाँ से, व्यवस्था आती है समुचित, तो आप लिख देंगे द प्रॉपर अरेंजमेंट। खासकर ऐसी स्टोरी दी जाती है, तो व्यवस्था के लिए आपने लिख दिया समुचित व्यवस्था के लिए, समुचित के लिए प्रॉपर और व्यवस्था के लिए अरेंजमेंट। अब आप कर देंगे ऑफ, अब पहले आप एंड से पहले की लिखते हैं, तो आप जानते हैं बिजली की लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आप लिख देंगे और के लिए एंड, और के लिए क्या लिख देंगे एंड, और पानी के लिए लिख देंगे वाटर। अब आती है, इसका मतलब है कि इसमें शामिल है, तो आप यहाँ दो बहुवचन सब्जेक्ट हैं, तो आप लिख देंगे आर, क्या लिख देंगे आर, और क्या है ये सभी, तो आप शामिल के लिए लिखते हैं इंक्लूडेड, क्या लिखते हैं इंक्लूडेड। तो इस सेंटेंस को बहुत बारीकी से समझना होगा आप लोगों को, इसके अंतर्गत अंडर एट कूड़े करकेट का प्रबंध, तो अरेंज मैनेजमेंट ऑफ रवेश कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स यानी कि सार्वजनिक या जनता की शौचालयों का निर्माण, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर इंक्लूडेड, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला सेंटेंस देखिए, चौड़ी एवं समतल सड़कों फ्लाईओवर्स एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से, पहले यहाँ तक देखते हैं, यातायात सुगम हो जाएगा। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ये लिखते हैं कि द ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रैफिक विल बिकम ईजी, सुगम के लिए क्या लिख देंगे ईजी, फिर आपको बाय मेकिंग, इस प्रकार से बना सकते हैं, या शुरुआत में ही आप से कैसे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बाय शुरू में लिख दें कि बाय, अब बनाना, अब यहाँ फिर से आपकी वर्ब में नानी ने आया हुआ है, क्या आया हुआ है वर्ब, तो यहाँ प्रपोजिशन लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे बाय मेकिंग, इधर से ही बनाते चले बाय मेकिंग किस किस चीज का, तो पहले ये लिखी जाएंगे, इससे पहले चौड़ी के लिए आप लिखते हैं वाइड, और के लिए आप लिख देंगे या एवं के लिए एंड, या वा के लिए एंड, समतल सड़कें, तो समतल के लिए आप जानते हैं प्लेन, और सड़कों के लिए आपकी हो जाएगी रोड्स, क्या हो जाएगी फ्रेंड्स रोड्स, और उसके बाद फ्लाई ओवर्स, तो आप लिख देंगे कॉमा के बाद फ्लाई ओवर्स, उसके बाद आपको दिया है एंड पार्किंग स्थान, तो द प्लेसेज ऑफ पार्किंग या पार्किंग प्लेसेज, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं द प्लेसेज ऑफ पार्किंग, फिर उसके बाद आपको यहां कॉमा दे देना है। अब लिखेंगे यातायात सुगम हो जाएगा, तो द ट्रांसपोर्ट, आप चाहें तो यहाँ ट्रैफिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, गागी गई है तो बिल हो जाएगा बिकम, क्या हो जाएगा सुगम, तो इजी। इस प्रकार से आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप से बनाने का प्रयास करें,
और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर रहे हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।